नमस्कार दोस्तों, हम कोशिश कर रहे हैं सब्जेक्ट स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का जो पेपर है वह सभी का अच्छा जाए, इसलिए आज मैं कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की भी बात करने वाला हूं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इससे पहले मैं सभी को बता दूं, ऐसे सभी स्टूडेंट जो हमारी एबी क्लास एप्लीकेशन से स्टडी कर रहे हैं, हमने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के सभी यूनिट्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यूनिट वाइज जो हमारा पीडीएफ कोर्स है उसमें स्टार्टिंग में ही अपलोड कर दिए हैं, तो आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वहां से स्टडी कर सकते हैं। इसी तरह जो वीडियो प्लस पीडीएफ का कोर्स परचेज कर चुके हैं वहां पर मैंने इसी वीडियो के साथ पांचों चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की पीडीएफ अटैच कर दिए, तो उसको ओपन करके आप वीडियो लेक्चर वाले स्टूडेंट भी स्टडी कर सकते हैं। तो आप लोग ये जो भी पांचों चैप्टर के मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अपलोड किए हैं एप्लीकेशन के अंदर, उसको अच्छे से पढ़ लें। आज जो क्वेश्चन मैं समझाने वाला हूं उसको भी ध्यान से समझना है। जिसमें पहले क्वेश्चन में लिखा है, इफ अ फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी इट सेट्स अप सम रेजिस्टेंस टू द डिफॉर्मेशन, दिस रेजिस्टेंस इज नॉन एज। क्वेश्चन में बोल रहा है कि कोई बॉडी है, जब हम उस पर फोर्स एक्ट करते हैं, फोर्स लगाते हैं, तो उसके अंदर रेजिस्टेंस पैदा होते हैं। कहने का मतलब जो हम एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं उसका कुछ फोर्स जो बॉडी के अंदर से सेटअप होते हैं वह एक्सटर्नल फोर्स का विरोध करते हैं। जो इंटरनल फोर्स सेटअप हो रहे हैं जिन्हें हम रेजिस्टेंस के नाम से जानते हैं, उस रेजिस्टेंस को क्या बोलते हैं? यह जो रेजिस्टेंस है उसको बोला जाता है स्ट्रेस। तो हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है ये वाला, ये हमारा राइट हो जाएगा। कि जो भी आंसर है उनको मैं ग्रीन कलर से हाईलाइट करूंगा, आप लोग समझ जाएंगे कि ये वाला राइट आंसर है जिसमें ग्रीन से हाईलाइट किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, द टर्म डिफॉर्मेशन पर यूनिट लेंथ इज अप्लाइड फॉर, क्या कह रहा है? टर्म डिफॉर्मेशन पर यूनिट लेंथ इज अप्लाइड फॉर। तो डिफॉर्मेशन पर यूनिट लेंथ किसके नाम से हम जानते हैं? स्ट्रेन के नाम से। तो स्ट्रेन क्या होती है? डिफॉर्मेशन पर यूनिट लेंथ। तो हमारा बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, द टर्म यंग मॉडुलस इज यूज्ड, जो यंग मॉडुलस है उसका संबंध हमें इन चारों ऑप्शन से बताना है। यंग मॉडुलस आप लोग जानते होंगे, यदि आपने हुक्स लॉ पढ़ा होगा, स्ट्रेस डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? स्ट्रेन होता है। जो उसमें कॉन्स्टेंट आता है कैपिटल ई, वह क्या होता है? यंग मॉडुलस या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो इसमें किसी का भी संबंध नहीं है उसका, यहाँ पर जो कोई भी ऑप्शन में ऐसा नहीं लिखा है, तो हमारा क्या डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसको मैं अब येलो कलर से हाईलाइट कर रहा हूँ जिससे और अच्छा दिखे आपको आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज द रेशो ऑफ, जो मैंने अभी जस्ट बताया क्या है, स्ट्रेस टू स्ट्रेन का जो रेशो होता है क्या कहलाता है? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन लिए मैंने और जो थ्योरी से रिलेटेड है। यदि हम किसकी बात करें, जो थ्योरी एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे आते हैं वो इसी तरह के पूछे आते हैं, क्योंकि हम लोग थ्योरी की स्टडी करते हैं, थ्योरी पढ़ के जाते हैं एग्जाम के लिए, तो उसी थ्योरी से कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना दिए जाते हैं जिससे आप उन्हें सही आंसर टिक कर सकें। नहीं तो क्या होगा, कुछ अलग से पूछेंगे तो आप लोग उनके आंसर नहीं दे पाएंगे, तो फिर तो ये मतलब हो गया कि आउट ऑफ सिलेबस हमारे आंसर क्वेश्चन दे दिए हैं, या कह सकते हैं इतना टफ पेपर बना दिया है कि बच्चे फेल हो जाए। ऐसा कभी नहीं होता, पेपर बहुत सिंपल बनाया जाता है लेकिन आप लोग पढ़ते नहीं है। आप लोग यदि पढ़ते हैं थ्योरी अच्छे से तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 10 नंबर के नहीं तो 8 नंबर के तो वैसे ही बन जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देख सकते हैं लिखा हुआ है, द रेशो ऑफ लेटरल स्ट्रेन एंड लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, लेटरल स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन है, इसके रेशो को क्या बोला जाता है? पॉइजन रेशो बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पॉइजन रेशो। यदि पॉइजन रेशो आपने पढ़ा होगा तो याद आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा था, स्ट्रेस जनरेटेड विथिन द इलास्टिक लिमिट इज प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन, स्ट्रेस जब किसी लिमिट पे, ये जो इलास्टिक लिमिट है वहां तक कोई लोड लगता है, तो उस दौरान जो स्ट्रेस है वह डायरेक्ट प्रोपोर्शनल किसके होता है? स्ट्रेन के। यह किसने बोला था? हुक्स ने। तो हुक्स का नियम का ऊपर स्टेटमेंट लिखा हुआ है, तो ये वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल टू रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल स्टेट आफ्टर रिमूविंग एक्सटर्नल फोर्स। तो ये नॉर्मली जो हम मटेरियल की प्रॉपर्टीज हम लोगों ने याद की होंगी उसी के ऊपर एक क्वेश्चन दिया है, और भी किसी प्रॉपर्टीज के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है यदि आपको याद होंगी, क्योंकि थ्योरी एग्जाम के लिए आप ऑलरेडी याद करेंगे तो बन जाएंगे। यहाँ पर पूछ रहा है कोई मटेरियल है यदि उस पर हम फोर्स लगाते हैं तो क्या होती है, उसमें परिवर्तन होता है, डिफॉर्मेशन होता है। यदि हम लोड को खींच लेते हैं, हटा देते हैं, तो वह फिर से अपनी ओरिजिनल अवस्था में आ जाती है। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी कारण होता है, तो ये होता है इलास्टिसिटी के कारण। किसके कारण? इलास्टिसिटी के कारण। तो ये वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा था रेशो ऑफ परमिसिबल स्ट्रेस एंड वर्किंग स्ट्रेस। तो जो हमारी फैक्टर ऑफ सेफ्टी होती है उसकी डेफिनेशन है, इसमें लिखा होता है परमिसिबल स्ट्रेस और वर्किंग स्ट्रेस के जो रेशो है, जो अनुपात है, उसको हम क्या बोलते हैं, फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो सी वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आपको लग रहे होंगे, लेकिन ये पक्का है ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या फिर क्या होगा जो हमने फॉर्मूले याद किए हैं तो फॉर्मूले पर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव, और जो फॉर्मूले पे आधारित डायरेक्ट वैल्यू देके एक लाइन में जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, आंसर आ जाए, ऐसा न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। सब तैयारी एकदम जोर शोर से रखें, बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे हमारी एप्लीकेशन के अंदर, जो मैंने बता चुका हूँ यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 5 तक आपको स्टार्टिंग में ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाएंगे। कम से कम एक दो बार उसको पढ़ लेंगे तो ये तो रहेगा कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हो सकता है उनमें भी पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा व्हेन एन एक्सटर्नल फोर्स, जब एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड किया जाता है किसी मेटल पर, आगे लिखा इट स्टार्ट्स ब्रेकिंग, मतलब उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन स्टार्ट होता है, एंड अलोंग विद इट आल्सो रेजिस्ट ब्रेकिंग, और जो ब्रेकिंग हो रही मतलब जो उसमें परिवर्तन हो रहा उसको रेजिस्ट करने के लिए बॉडी तैयार है, तो यह किसके कारण होता, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी के कारण होता, स्ट्रेंथ के कारण होता, तो हमारा कौन सा हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी, किसी बॉडी पर जब फोर्स अप्लाई किया जाता है विद इन द इलास्टिक लिमिट, इलास्टिक लिमिट तक, देन द एनर्जी स्टोर व्हाई इट इज कॉल्ड, मतलब जब हम किसी बॉडी पे किसी मटेरियल पे फोर्स अप्लाई करते कहां तक, इलास्टिक लिमिट की हद तक, तो उस दौरान बॉडी के अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है उसे किस नाम से जानते हैं, तो उसे जानते हैं हम स्ट्रेन एनर्जी के नाम से। सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट कैन बी स्टोर्ड इन अ ऑब्जेक्ट अप टू द लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी इज कॉल्ड। क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो इलास्टिसिटी है उसकी लिमिट तक जब कोई लोड लग रहा है तो उस दौरान मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो स्टोर की जा रही है किसी बॉडी के अंदर कहां तक, इलास्टिक लिमिट की हद तक, तो उस दौरान जो एनर्जी स्टोर हो रही है उसे हम क्या बोलते हैं, तो उसे बोलते हैं प्रूफ रेजिलियंस। क्या बोलते हैं? प्रूफ रेजिलियंस। ये वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा टोटल स्ट्रेन एनर्जी, क्या पूछ रहा है, टोटल स्ट्रेन एनर्जी स्टोर इन एन ऑब्जेक्ट इन द इलास्टिक लिमिट, एक इलास्टिक लिमिट तक जो टोटल स्ट्रेन एनर्जी स्टोर हो रही है किसी ऑब्जेक्ट में उसे हम क्या बोलते हैं, तो उसे बोलते हैं रेजिलियंस। क्या बोलते हैं? रेजिलियंस बोलते हैं हम। ये हमारा बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा स्ट्रेन एनर्जी इज कॉल्ड, स्ट्रेन एनर्जी किसे कहते हैं, तो अभी मैंने इससे पहले बताया था स्ट्रेन एनर्जी के कि यदि कोई सी ऑब्जेक्ट पर हम फोर्स लगाते हैं, लोड लगाते हैं एक इलास्टिक लिमिट तक, तो उस दौरान बॉडी के अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है उसे हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेन एनर्जी बोलते हैं। तो यहाँ पर लिखा सी ऑप्शन में एनर्जी स्टोर इन एन ऑब्जेक्ट व्हेन द स्ट्रेस इज इन द इलास्टिक लिमिट, तो हमारा सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा द स्ट्रेन पर यूनिट लेंथ, देख याद रखें स्ट्रेन पर यूनिट लेंथ इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में अगर कोई परिवर्तन हो रहा है बॉडी में तो उस डायरेक्शन में जो स्ट्रेन होती है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं हम लीनियर स्ट्रेन। क्या बोलते हैं? लीनियर स्ट्रेन। तो सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो इस पर भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया था कि जो स्ट्रेन है उसकी यूनिट क्या होती है, उसकी कोई भी यूनिट नहीं होती है, सबको पता है, तो नो यूनिट है यहां पर लगा देता हूं मैं, और नीचे भी ऐसे ही लिखा था यूनिट ऑफ स्ट्रेन, लेटरल स्ट्रेन हो फिर स्ट्रेन हो किसी की भी यूनिट नहीं होती, जहां पर स्ट्रेन लगा हुआ है तो नो नो करना है यहां पर, इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे क्योंकि ऑप्शन इस तरह दिए रहते हैं ऊपर तो उन पर ध्यान रहता है लेकिन नो वाले पर ध्यान हट जाता है। तो अभी आपसे आप याद रख लें कि स्ट्रेन की कोई भी यूनिट नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है विच पॉइंट इज नॉट प्रेजेंट इन द स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम ऑफ अ ब्रिटल मटेरियल, जो ब्रिटल मटेरियल का हम लोग डायग्राम पढ़ते हैं स्ट्रेस और स्ट्रेन के लिए, उसमें पूछ रहा है इन चारों पॉइंटों में से
कौन सा पॉइंट उसमें मिस होता है। तो हम लोग जानते हैं कि बहुत जल्दी ब्रेक हो जाता है, इलास्टिक लिमिट तक ही ब्रेक हो जाता है, तो जो यील्ड पॉइंट है वह इसमें प्रेजेंट नहीं रहता है, मैक्सिमम लिमिट तक नहीं जाता है, तो ये वाला ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा ऑन अप्लाइंग एन एक्सटर्नल फोर्स ऑन अ रॉड, एक रॉड पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया जा रहा है, इट्स क्रॉस सेक्शनल एरिया डिक्रीज, और क्रॉस सेक्शनल एरिया डिक्रीज हो रहा है, द स्ट्रेस प्रोड्यूस इन दिस, कहने का मतलब है अगर हम उसी ऑब्जेक्ट के रॉड पे कोई फोर्स अप्लाई कर रहा है और क्रॉस सेक्शनल एरिया कब कम होता है, जब उसकी लेंथ इंक्रीज होगी। याद रखें, जब किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ इंक्रीज होती है तो उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है साइड वाला वह कम होता है, तो उस दौरान जब खींचे मतलब लेंथ इंक्रीज कब होती है, जब उसको खींचते हैं, खींचना मतलब टेंसाइल की बात कर रहा है, तो जो टेंसाइल स्ट्रेस है वह प्रोड्यूस होगा, तो हमारा कौन सा हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है अ होल इज मेड इन द प्लेट ऑफ माइल्ड स्टील बाय पंचिंग टूल, द प्लेट इज अंडर, तो इसमें भी स्ट्रेस के बारे में पूछा गया, जब किसी में हम होल कर रहे हैं तो उस दौरान कौन सा स्ट्रेस जनरेट होता है, तो उस दौरान होता है सियर स्ट्रेस, कौन सा होता है, सियर स्ट्रेस, तो सी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा बाय अप्लाइंग एक्सटर्नल फोर्स ऑन अ रॉड इट्स क्रॉस सेक्शनल एरिया इंक्रीज, जब किसी रॉड पर हम एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं यदि उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया इंक्रीज हो रहा है तो वहां पर कौन सा स्ट्रेस जनरेट होगा। हम किसी चीज को जब दबाते हैं लेंथ कम होती है तब एरिया क्या होता है, इंक्रीज होता है, मतलब जब दबाएंगे हम तब एरिया इंक्रीज होता है, वहां पर कौन सा स्ट्रेस डेवलप होगा, कंप्रेशन, हमारा क्या होगा, सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा इफ अ कॉपर रॉड ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन इज हीटेड, कोई कॉपर रॉड है उसके क्रॉस सेक्शन एरिया है उसका, वहां पर उसको क्या गर्म किया जा रहा है, एंड इस ग्रोथ इज स्टॉप, उसकी ग्रोथ हुआ है कैसी स्टॉप कर दी जाती है, देन द थर्मल स्ट्रेस जनरेटेड इन, तो कौन सा थर्मल स्ट्रेस जनरेट हुआ, इसके अंदर होता कंप्रेसिव, कौन सा होता है, कंप्रेसिव, क्योंकि उसको स्टॉप कर दिया और दबाया जा रहा है, हमारा बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा था मेन रीजन फॉर द जनरेशन ऑफ हीट इंड्यूस स्ट्रेस, क्या रीजन हो सकते हैं हीट इंड्यूस स्ट्रेस के, इसमें रीजन होते चेंज इन द टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी बॉडी उसका टेम्परेचर में परिवर्तन क्या, बाउंड बिटवीन स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज, तो हमारा कौन सा हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन इसका भी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है द टेम्परेचर ऑफ अ फ्री कॉपर रॉड, याद रखें फ्री कॉपर रॉड वाज इंक्रीज बाय 40 डिग्री, द थर्मल स्ट्रेस प्रोड्यूस इन द रॉड विल बी, याद रखें कोई भी रॉड गर्म हो रही है जब तक कि उसको एक्सटर्नल फोर्स से रेस्ट्रिक्ट नहीं किया जाता, मतलब उसमें या तो कंप्रेसिव मतलब उसको रोका जाए किसी एक्सटर्नल फोर्स से या उसको खींचा जाए, ऐसा कोई ना कोई रेस्ट्रिक्शन होना चाहिए तभी उसके अंदर स्ट्रेस डेवलप होते हैं, नहीं तो कोई भी स्ट्रेस थर्मल स्ट्रेस उसके अंदर डेवलप नहीं होगा। तो यहाँ पर फ्री लिखा है, फ्री का मतलब है कोई भी स्ट्रेस उसके अंदर डेवलप नहीं होगा, जीरो होगा। इस तरह के एक क्वेश्चन और है वो भी आप समझ लें, व्हेन अ रॉड इज हीटेड द टाइप ऑफ स्ट्रेस प्रोड्यूस विल बी नो स्ट्रेस, ठीक है, क्योंकि फ्री रॉड क्या हो रही है, हीट हो रही है, जब कोई रॉड फ्री हीट होती है तो वहां पर कोई भी स्ट्रेस डेवलप नहीं होता है। तो दोनों क्वेश्चन के आंसर आपको मिल गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है पॉइजन रेशो इज ऑलवेज, पॉइजन रेशो हमेशा होता है लेस देन वन, कितना होता है, लेस देन वन होता है, तो इसका ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है रिलेशन बिटवीन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कैपिटल ई एंड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी सी, ई और सी में क्या रिलेशनशिप होता है, तो यहाँ पर सी वाला जो फॉर्मूला है याद रखे, कौन सा, सी वाला, मैं इसको भी हाईलाइट कर देता हूं, ए सी वाला, ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा इसके अंदर, कि ई और सी में क्या संबंध होता है, तो उसका ये फॉर्मूला बनता है, ये राइट हो जाएगा। तो आज के लास्ट क्वेश्चन है जिसमें लिखा इफ द फोर्स इज डबल्ड ड्यूरिंग ग्रेजुअली अप्लाइड लोडिंग, अप्लाइड लोडिंग के दौरान यदि फोर्स डबल कर दिया जाए तो स्ट्रेन एनर्जी कितनी होती, तो ये 4 times होती है, हमारा कौन सा इसका डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, 4 times। सेम क्वेश्चन नीचे वाला भी है, तो बस पूछने का तरीका अलग था दूसरे एग्जामों में, इफ द लोड यूज्ड इन ग्रेजुअली लोडिंग इज डबल्ड देन द स्ट्रेन एनर्जी विल बी इंक्रीज 4 times, इसका भी हमारा 4 times हो जाएगा, मतलब सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो जैसा मैंने बता दिया है जो पीडीएफ वगैरह 5 यूनिट की प्रोवाइड करा दी है, और आज शाम तक आरएसी की भी जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की पीडीएफ है वो भी अपलोड कर दी जाएंगी, और कल हो सकता है आपकी मेजरमेंट की ऐसे स्टेट मतलब एक पर डे किसी न किसी सब्जेक्ट की मैं अपलोड कर दूंगा,
आप स्टडी करते रहें। जितना आप स्टडी नहीं कर पाएंगे, जितना मटेरियल मैं प्रोवाइड कंटिन्यू करा रहा हूँ उतना आप स्टडी नहीं कर पा रहे हैं, ये मुझे पता है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको पूरा मटेरियल मिले, जिससे कम से कम ये ना रहे कि हमें हमारे पास मटेरियल की कमी थी इसलिए हमारा पेपर अच्छा नहीं। थैंक यू फ्रेंड्स।